the wiggle. Like. तो ये नदी रास्ते में पड़ती है, इसका नाम है फल्गु नदी। तो अभी पहुंचने से पहले का ये स्पॉट है, मैं आपको दिखाते जाता हूँ। पीछे पूरी गाड़ी रुक गई हम लोगों की, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग चलना पड़ रहा है हम लोगों को। ये पूरा सीन देखिए आप। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे पत्थर रखे हुए। ये सब मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने लोगों ने इसको कैसे रखा होगा, खुद सोचिए आप। और दूसरी साइड यहाँ पे पूरा बड़ा जंगल है, वहाँ पे पहाड़ है, और जस्ट अपोजिट टू दैट यहाँ पे ये सारे पत्थर हैं, और वहाँ पे वो अपना स्पॉट है। तो दोस्तों ये है फाल्गु नदी, अभी मैंने कंफर्म किया इसका नाम, और उससे मुझे पता चला ये फाल्गु नदी है। इतनी फेमस नदी है नहीं ये वैसे, बट स्टिल पीपल कम हियर एंड इट इज़ ए पिकनिक स्पॉट वी कैन से, एंड इट इज़ लिटरली लाइक ए पजल। आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे पूरा रास्ता है, ये रास्ता सीधा एक्सटेंड होके वहाँ तक जाता है, और फिर हर जगह वहाँ से ये पूरा स्पॉट है वहाँ तक। नाउ वी आर अगेन रेडी, हम लोग आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। पीछे हम लोग, मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि पीछे क्या क्या है। सो यू कैन सी हम लोग डैम में पहुंच गए हैं, एंड इस डैम का नाम बैराज पुल है। और वी आर सीइंग दैट कि ये पुल कम और टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं, डैम कम है। ये इसका नाम वैसे है बैराज पुल। देखिए वहाँ पे पूरी पिकनिक सेटअप हो चुकी है, अभी मैं टॉप पे जाके बताता हूँ आप लोगों को क्या है वहाँ पे। सो नाउ वी आर एट द टॉप, और ये आप लोग देख सकते हैं इसका नाम है बैराज पुल इस डैम का। यहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, ये देख सकते हैं, एंड आई हैव सेड इट अर्लियर कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज्यादा है पुल के मुकाबले। और ये ऑब्वियसली भाई डैम इतना लंबा होगा ही, चाहे कहीं का भी हो। इसके बाद हम लोग जाएंगे, एक टेंपल है पुराने जमाने का, और उसे कुछ सिर्फ रूइंस बचे हैं, वहीं पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं, सिर्फ ये एक डैम है और सिर्फ वही रहेगा टेंपल। और यहाँ का आप सिर्फ व्यू देखिए, और ये जगह है बिहार में। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ब्यूटी। तो क्या है, जूम करके देखता हूँ मैं, बैग है। तो ये मेरा भाई है, ये भी मेरे साथ आया है, इसका नाम है कृष्णा। हम लोग सब यहाँ पे फैमिली ट्रिप के तौर पे, मैंने जैसे आपको बोला कि ये डैम कम पिकनिक स्पॉट ज़्यादा है, वैसे हम लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ का व्यू कैसा है। बहुत बढ़िया, हम लोग इसी के लिए आए हैं। तो ये अंकल यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं, इनसे पूछना पड़ेगा अभी तक कितनी मछली पकड़ ली है। अंकल कितनी मछली पकड़ ली है अभी तक, कितनी मछली पकड़ी? वो देखिए उनके हाथ में थैला, उस थैले में इन्होंने लगा 20-40 तो पकड़ी ली होगी, वो देखिए।
चलिए नीचे चल के मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि यहाँ पे रनिंग वाटर है ऑब्वियस है, तो इसके वजह से आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही होगी। कोई बात नहीं, मैनेज तो करना पड़ेगा, लाइफ का दूसरा नाम है एडजस्ट। एंड लेट्स गिव इट अ फिल्मी टच। कई देर के गाड़ी के सफर के बाद हम लोग थक चुके थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना रेस्ट किया जाए। और ये आप लोग देख सकते हैं एकदम लश ग्रीन है ये, और ये बहुत अच्छा लग भी रहा है। पूरा विलेज वाली कंफर्ट पूरी आ रही है। आप लोगों को एक सीन दिखाता हूँ मैं, ये देखिए उसके ऑपोजिट ये था, और ये पूरा हर जगह से घास ही घास है, जिसके वजह से लग रहा है कि हम लोग कहीं गांव में घूम रहे हैं। यहाँ से फ्रेश अंडरग्राउंड पानी आ रहा है।